परेड ग्राउंड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, आपको बता दें जहां पर खिलाड़ी पिछले काफ़ी लंबे समय से नवीन जोशी को बुला रहे थे। इस दौरान नवीन जोशी ने खिलाड़ियों से जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान खिलाड़ियों ने जोशी को बताया कि परेड ग्राउंड में लाइट की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा सरकारी कार्यक्रम परेड ग्राउंड के अंदर कराए जाते हैं, जिस कारण खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी भी होती है। और जो खिलाड़ी आर्मी में, पुलिस में या अन्य किसी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी करते हैं, उनको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में ही होते हैं। जब कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं तो खिलाड़ियों के लिए मैदान नहीं बचता और मैदान के किनारे कूड़ा करकट वगैरह पड़ा रहता है, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने नवीन जोशी से मांग की कि वह सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करे और जो आयोजन खेल के मैदान में आयोजित किए जाते हैं उसको शहर के अन्य स्थान पर आयोजित किए जाए, जिससे खिलाड़ी निर्विघ्न अपनी प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारी कर सके। इस अवसर पर नवीन जोशी ने कहा कि वह उनकी बात को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। अगर सरकार इस मुद्दे का हल नहीं करती तो इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों का आह्वान भी किया, आने वाले मेयर चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि देहरादून में खिलाड़ियों की समस्याओं को उन्होंने कहा कि प्रमुखता के साथ हल किया जा सके और देहरादून का चहुमुखी विकास हो सके। भाजपा सरकार ने कभी, उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम आज देहरादून की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। देखिए, जनसंवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत आज हम यहाँ परेड ग्राउंड में आए हैं, तो यहाँ पे खिलाड़ियों की कई प्रकार की समस्याएं थी। हमने पिछले काफी लंबे समय से, मुझे कई खिलाड़ियों के फोन भी आ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप आके यहाँ की स्थिति को देखिए, तो आज हम खिलाड़ियों के बीच में आ रहे हैं तो यहाँ देख के काफी निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि ये परेड ग्राउंड मैदान है, ये खिलाड़ियों के खेलने का ये मुख्य केंद्र था। यहाँ पे प्रदेश के अन्य स्थानों से भी खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं, जो अपने भविष्य के लिए, कोई आर्मी के लिए, कोई पुलिस के लिए, विभिन्न तरह के जो खेल की प्रतिस्पर्धा होती है उसमें लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन आज देखने में आया है यहाँ विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और जिस प्रकार से कोई खादी का कार्यक्रम हो रहा है, कोई यहाँ पे फेट लग रहा है, कोई किसी प्रकार की उत्सव यहाँ पर हो रहा है, तो खिलाड़ियों को खेलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अभी भी जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पे टेंट लग रहा है बगल में, खिलाड़ी कहाँ जाएंगे, टेंट के यहाँ पे कुर्सियां भी पड़ी हैं, टेंट भी पड़ा है और विभिन्न प्रकार के सामान पड़े हैं, तो खिलाड़ियों को खेल में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ये इस प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है इसको कहीं अनियंत्र स्थापित किया जाए। आपने परेड ग्राउंड को पहले आधा आपने कवर कर लिया है, ये पहले पूरा ही परेड ग्राउंड हुआ करता था, खिलाड़ी पूरा बेरोक टोक इसमें खेल सकते थे, लेकिन आज तो सरकार ने छोटी सी जगह परेड ग्राउंड छोड़ रखी है, उस पर अपने सरकारी आयोजन भी कर रही है और खिलाड़ियों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो हमारा जो बच्चा है वो जाएगा कहाँ से, हमारी प्रति, हमारे जो खिलाड़ी जो जिनका भविष्य है वो कहाँ जाएगा। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो आप गतिविधियां यहाँ पे संचालित कर रहे हैं वो कहीं अन्यंत्र स्थापित करें, और ये खिलाड़ियों के लिए सिर्फ मैदान होना चाहिए और यहाँ पे किसी प्रकार की आप कार्यक्रम यहाँ आयोजित ना करें। खिलाड़ियों में रोष है, हम सुन रहे हैं काफी समय से, जो हमारे एक ये कहा जाता था उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से ज्यादा लोग सेना में जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति भी यहाँ से हमारे कई सैनिकों ने दी है। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जो एकमात्र देहरादून के अंदर ये ग्राउंड टूटा हुआ है, सरकार इस पर थोड़ा सा रहम करे और खिलाड़ियों के बारे में कुछ सोचे। मुख्यमंत्री जो है श्री पुष्कर सिंह धाम जी से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब इंडिया खेलेगा नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से। अगर ऐसे मैदानों की इस तरह की समस्याएं होंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की जो भावनाएं होंगी वहां तो उत्साहित होंगे, निश्चित रूप से उनका मनोबल को जो मनोबल पे आंच आएगी, और निश्चित रूप से देखो हम आज देख रहे हैं हम यूथ गेम्स हो रहे हैं, नेशनल यूथ गेम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां से हमें अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं जिसमें अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है राज्य का नाम भी हो रहा है, देश की प्रतिभा को भी सम्मान मिल रहा है। अगर इस तरह की प्रतिभा को हम सम्मान नहीं दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं की एक हतोत्साहित की भावना उनके अंदर पैदा होगी, और निश्चित रोजगार तो हमारे युवाओं को भी मिल नहीं रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा उम्मीद हमारी स्पोर्ट्स के अंदर भी थी कि स्पोर्ट्स कोटा में कहीं बच्चे आगे निकले, तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको धक्का जरूर लगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं,
ये तो युवा भी है और युवाओं की बात को प्रबल रूप से सुनेंगे भी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद भी है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से, और वो इस बात को प्रधानमंत्री तक भी जरूर पहुंचाएंगे।